आज 100% से 100% लेके आऊंगा। मम्मी पापा को भी खुश कर दूंगा और गिफ्ट में साइकिल लूंगा। क्या कैटरिन रिमेम्बर? चाकू पे तो खून है। घड़ी, ये घड़ी तो चंद्रा अंकल की है। दीदी, मम्मी और पापा कहाँ हैं? अरे मम्मी पापा बाहर गए, लेकिन मुझे बता कि वो पक्का वो चंद्रा अंकल की घड़ियां थी। हाँ दीदी, वो चंद्रा अंकल की घड़ी है। चलो हम उनके घर पे जाके देखते। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे फ्रेंड्स को कुछ हो तो नहीं गया? कुणाल बाबा, घबराओ मत, सब ठीक ही होगा। क्या बात है लता, सब ठीक तो है ना? साहब, कुणाल बाबा ने बिल्डिंग से दो आदमी को बाहर भागते हुए देखा था। कौन थे लोग? चेहरा तो मैंने नहीं देखा, वो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। जल्दी में भागने के समय उनके हाथ से बैग गिर गया। बैग में एक चाकू था और हाँ, रोहन के पापा की वॉच, और चाकू पे खून लगा हुआ था। जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अंदर चल के देखते हैं, सब ठीक ठाक तो है ना? हे भगवान, यहाँ घर में तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? रोहन, स्वीटी, कहाँ तुम? स्वीटी, रोहन, रेखा, भगवान क्या हार बना रखे? रेखा डरो मत, रुको रेखा। अंकल, घर पे तो कोई नहीं है, मेरे दोस्त और रोहन और स्वीटी कहाँ है? बैठो बैठो। कोई है अंदर? यहाँ कोई नहीं है। आजा आजा आजा, हाँ घबराओ नहीं। रोहन पापा, स्वीटी, रेखा, रेखा रोना बंद करो। ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता, दो लोग थे नकाब पहने हुए, एकदम से घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी, सारा सामान लूट कर चले गए। हे भगवान, अब अपनी सोसाइटी में ये भी होने लगा? जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूरा घर तितर बितर कर दिया है, सामान इधर उधर फेंका गया है सर। हाँ फेड़ी, लूटपाट हुई है। लुटेरों ने गहने और पैसे ढूंढने के चक्कर में घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया है। यहाँ की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या।
आप यहाँ घर में थी या कोई और भी था जब ये लूटपाट हुई? नहीं सर, मैं, रोहन और स्वीटी, हम तीन ही थे, बाकी सब बाहर गए हुए थे। आपने उन लुटेरों का चेहरा देखा था? नहीं, उन लोगों ने अपना मुंह ढका हुआ था। एक घंटे में, बस एक घंटे में हो गया ये सब। हम लोग घर के बाहर गए थे, उतनी देर में वो लुटेरे घर के अंदर घुस गए। मेरा तो पूरा घर लूट लिया, एक गहना तक नहीं छोड़ा, एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी उन्होंने। कितने बजे गए थे आप दोनों घर के बाहर? लगभग 8:30 बजे के करीब। और ये लुटेरे तकरीबन 9:30 के आसपास आए थे। कोई करीबी होगा इन लोगों का जिसे मालूम था कि मिस्टर और मिसेस चंद्रा कब वापस आने वाले हैं? हो सकता है। कौन कौन जानता था कि आप लोग बाहर जाने वाले थे? हमारे अलावा तो और कोई नहीं जानता था। एक्चुअली शादी वाला घर था तो हमें बार बार बाहर जाना पड़ रहा था। किसकी शादी है? जी मेरी बहन की शादी है। अब कैसे होगी शादी? सारे गहने और पैसे तो वो लुटेरे ले गए। बस 2 दिन पहले हम सारे गहने और पैसे बैंक से ले आए थे। मैंने तो मना किया था, कहा था कि शादी वाले दिन लेकर आते, लेकिन तुम ही ने जिद की। अब देख लिया ना अंजाम। तो मुझे क्या पता था कि ये सब होने वाला है? ये जो गहने और पैसे आप लोग लाए थे, इसके बारे में और किसको पता था? हमारे अलावा हमारे फ्लोर पर सभी को पता था। सभी को पता था? और चोर घर में उसी वक्त घुसा जब मिस्टर चंद्रा और मिसेस चंद्रा हार गए थे। आपको पता कैसे चला कि घर में चोरी हुई? जी, इस बच्चे कुणाल ने देखा लुटेरों को भागते हुए। आपने देखा उन लुटेरों को? हाँ सर, चेहरा तो मैंने नहीं देखा, पर जब वो भाग रहे थे चाकू और घड़ी उनके हाथ से गिर गई और चाकू पे खून लगा हुआ था। कहाँ है वो चाकू? चाकू तो वो ले गए। आपको चाकू से मारा? नहीं सर। अगर यहाँ पे किसी पे भी चाकू से हमला नहीं हुआ है तो हो सकता है बिल्डिंग में किसी पे हमला किया उन लोगों ने। एक काम करो फेड़ी, सारे फ्लैट चेक करो, देखो किसी पे हमला हुआ है क्या। तुम कहाँ थे जिस वक्त चोरी हुई? साहब मैं खाना खाने गया था। खाना खाने गए थे? ठीक उसी वक्त खाना खाने गए थे जब ये हादसा हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी हाथ है इस लूट में? मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मैं तो रोज ही 9 बजे खाना खाने जाता हूँ और आधे घंटे के बाद वापस भी आ जाता हूँ। और ठीक उसी टाइम पे चोर ने अपना काम कर दिया। बहुत खूब, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मदद की चोरों की। क्यों ये आप क्या कह रहे साहब, मेरा कोई हाथ नहीं है इस चोरी में। सर ये बहुत ही शरीफ आदमी है और हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा है, आज तक इसके खिलाफ हमारे पास कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सर ये बात सभी जानते हैं कि ये रात को 9 बजे ही खाना खाने जाता है। जब ये वॉचमैन खाना खाने के लिए जाता है उस वक्त कोई और गार्ड नहीं होता गेट पे? नहीं सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे 2 ही गार्ड्स हैं, एक सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ड्यूटी करता है और दूसरा शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ड्यूटी करता है। अच्छा वॉचमैन जब तुम खाना खाने के लिए गए थे उससे पहले या आने के बाद किसी को देखा था सोसाइटी में आते हुए? नहीं साहब, मैं बिना एंट्री के किसी को भी अंदर नहीं जाने देता हूँ। आज जो यहाँ पर हुआ है इस सोसाइटी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसने भी ये किया है उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था? सर आप ये कहना चाहते हैं किसी सोसाइटी के आदमी का काम है? हाँ, जिस तरह से चोर को पता था कि वॉचमैन किस टाइम पे खाना खाने के लिए जाता है और मिस्टर चंद्रा के घर पे रखे गए ज्वेलरी के बारे में पता था, लगता तो यही है। हाँ फ्रेडी। सर यहाँ पे खून है। क्या? यहाँ पे खून है सर। ये खून कहाँ से है? ये इस फ्लैट में काम करती है सर, इन्होंने खून देखा है। सर मुझे नहीं पता, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, अंदर से कोई आवाज नहीं आई और मेरी अचानक नजर खून पे गिरी। सर मुझे नहीं पता कहाँ से खून आया। ये फ्लैट किसका है? मिस्टर शशि का। मिस्टर शशि, अंदर चल के देखना पड़ेगा। अटिया सारा सामान बिखरा पड़ा, इस घर की हालत भी बिल्कुल वैसी है जैसे रोहन के घर की थी। यहाँ भी चोरी हुई होगी और घर में कोई दिख नहीं रहा। सर वो दरवाजे पर खून कहाँ से आया?
जरा छान मारो अंदर, देखो अंदर कहीं खून मिलता है क्या। सर सर जल्दी अंदर आए। ओह नो, प्रीति जरा उस मेड को अंदर ले गया ना। यस सर। सर लगता है चाकू से वार किया। शायद कल रात इसे उसी चाकू से मारा गया जिसे कुणाल ने उन लुटेरों के पास देखा था। सर आप इस आदमी को पहचानती है, कौन है ये? ये तो आरव, आरव जी हैं। आरव? मगर ये घर तो शशि का था, तो ये आरव कौन है? हाँ सर, ये तो शशि साहब के भाई है, इनके साथ ही रहते हैं। फिर शशि कहाँ है? वो तो दो दिन के लिए बाहर गए अपने बीवी बच्चे के साथ, पुणे गए। पुणे गए? ठीक है, आप जरा बाहर जाके खड़े हो जाइए। सर खूनी ने बड़ी प्लानिंग के साथ दोनों वारदातों को अंजाम दिया है जब घर के लोग बाहर गए हुए थे। हाँ फ्रेडी, लेकिन ये आसपास के घर वालों को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? इस आदमी ने चीखा तो होगा, चिल्लाया होगा। एक काम करते हैं, आसपास पूछते हैं, किसी ने इस आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी क्या? एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोगों के नाप के नीचे से दो दो घर लूटे जाते हैं, एक खून भी होता है पर किसी को पता तक नहीं चलता, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सर ये काम बिल्डिंग में रहने वाले में से किसी का होगा। हाँ सर, मिस्टर चंद्रा के यहाँ शादी थी, उनकी बीवी कह रही थी कि उनके घर में गहने रखे हुए हैं, ये बात सारी बिल्डिंग वालों को पता थी, तो हो सकता है कोई बिल्डिंग का ही आदमी हो जिसने ये गहने साफ करते हो। अगर सर कुणाल ने बताया था कि उसने लुटेरों को बिल्डिंग से बाहर भागते हुए देखा था, तो हो सकता है लुटेरे बाहर के ही हो। तो फिर बाहर के आदमी को वॉचमैन के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो कब खाना खाने जाता है और कब वापस आता है? सर ऐसा वो सर वो क्या मतलब... क्या क्या वो क्या कितनी बार समझाया तुझे, बोलने से पहले सोचा कर, कुछ सीख मुझसे सीख। कुणाल? अरे आओ आओ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? सर मेरा बेटा आपको कुछ बताना चाहता है। अच्छा, क्या बताना चाहते हो बेटा? सर मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। बड़ी अच्छी बात है। आज सुबह मैं अपने कैमरा के रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहा था, उसमें मैंने एक चीज देखी। क्या चीज देखी बेटा? अंकल मैंने एक हाथ देखा, उस पे एक निशान बना हुआ है, और ऐसे ही निशान मैंने उस लुटेरे के हाथ पे देखा था जो कल बिल्डिंग में चोरी करने आया था। अच्छा, कैसा निशान? ये वीडियो हमें दिखाएंगे आप? हाय, मैं हूँ कुमार और आज सर ये वीडियो मैंने पिछले हफ्ते रोहन के सिस्टर के बर्थडे पे शूट की थी। अच्छा, सर एक मिनट सर पॉज कीजिए, ये देखिए सर यही वो निशान है। तुम्हें पूरा यकीन है कुणाल कि यही निशान था उस लुटेरे के हाथ पर? हाँ सर। सर मेरे बेटे की याददाश्त बहुत अच्छी है, एक बार कोई भी चीज देख लेता है तो भूलता नहीं है। वंडरफुल। बेटा ये जो आदमी आपने पार्टी में देखा, क्या उसे आप जानते? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। अच्छा, क्या आपने पहले कभी देखा है इस आदमी को? अब नहीं सर, हमने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद करने के लिए कुणाल को यहाँ लाया इसलिए। और कुणाल यू आर अ वंडरफुल बॉय, थैंक यू वेरी मच।
बहुत होशियार है आपका बच्चा। थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो ये निशान है क्या। सर, इस तरह के निशान वाले किसी भी आदमी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मतलब ये कोई पुराना पापी नहीं है। सर, अब पता कैसे चलेगा इस निशान के बारे में? सिर्फ एक ही आदमी इस निशान के बारे में बता सकता है। कौन सर? ढेंचू। ढेंचू? हाँ ढेंचू। अरे सर, वो तो एक खबरी है, उसे इस निशान के बारे में पता होगा। बिल्कुल होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम? फोन लगाओ उसे। मैं? हाँ। हेलो ढेंचू, फ्रेडी सर बात कर रहा हूं। अरे सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। अरे अरे कांटी सर, फोन काट दिया, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? बोल रहा है पहले पैसे दो, बाद में बात सुनूंगा। ढेंचू, इस फोटो को ध्यान से देखिए, इस हाथ पे जो निशान बना हुआ है, ऐसे निशान वाला कोई आदमी आपकी पार्टी में आया था? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया था। स्वीटी के बर्थडे पार्टी में खींची हुई फोटो है जो कुणाल ने खींची थी, और ये निशान वाला आदमी उन लुटेरों में भी था। नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई आदमी हमारी पार्टी में आया हो। कोई तो होगा, हो सकता है ये आदमी किसी मेहमान के साथ आया हो। अगर आप लोग जानते नहीं तो ये आदमी आपकी पार्टी में आया कैसे? शायद पार्टी में जो खाना बनाने वाले और वेटर्स आए थे, ये उनमें से कोई हो सकता है, वरना हमारे रिश्तेदार ऐसे घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। मगर कोई खाना बनाने वाला या वेटर इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा क्यों? अब वैसे भी ये एक दिन में की गई प्लानिंग का काम नहीं है, वो जो कोई भी है बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। तो फिर वो कौन हो सकता है सर? जो कोई भी है हम ढूंढ लेंगे उसे। आप एक काम कीजिए, खाना बनाने वाले और वहां पे जितने भी वेटर्स थे उन सबके नाम और नंबर चाहिए हमें। अरे ये तो खुला हुआ है सर। देखा? क्या देखा सर, कोई भी नहीं अंदर, कुछ भी नहीं है। अरे मैं ये कह रहा था कि मुझे देख के ढेचू घर छोड़ के भाग गया। भागते तो कायर है कायर, और ढेचू कायर नहीं, शहंशाह है, शहंशाह। शहंशाह के दरबार में जो भी आता है कुछ न कुछ मांगने आता है। बोलो तुम दोनों को क्या चाहिए? हमें एक आदमी की इंफॉर्मेशन चाहिए। जाओ और अपने एसीपी को बोल देना कि ढेंचू साहब ने उनके लिए काम करना छोड़ दिया है। ए ढेंचू, तू होश में था ना? ड्रामा बंद कर और जल्दी से फोटो देख के बता ये निशान वाला आदमी कौन है। कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे ये मुझे पसंद नहीं। मैं सिर्फ डीसीपी साहब के लिए काम करता हूँ।
और सिर्फ डीसीपी साहब ही ऊंची आवाज में मुझसे बात कर सकते हैं। उनके सिवा कोई ऐरा गहरा नथू खैरा आकर जैसू से ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे पसंद नहीं। मेरे बाप, गलती हो गई मुझसे। जल्दी से ये फोटो देख और बता निशान वाला आदमी कौन है। सुनो, एसीपी साहब ने कहा है पैसे मिल जाएंगे। ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कहीं ना कहीं इस हाथ से मुलाकात जरूर हुई है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।